गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अखिल क्लासेस। आज हम एनवायरनमेंट का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे, दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स, ये सब हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होते हैं, जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी होती क्या है। इकोलॉजी में हमने पढ़ा था कि रिलेशनशिप होती है एक मीन्स एक स्पीसीज के और उसके घर में, और इकोलॉजी में हम ले लेते हैं नेचर को एक घर और उसमें जो भी स्पीसीज होती है उनको ले लेते हैं हम एक इंडिविजुअल स्पीसीज, और उन दोनों में रिलेशंस होती है हमारी इकोलॉजी। और टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी क्या होगी? जो हमारा नेचर है वो अगर वो लैंड पे बिलोंग करता हो, लैंड से रिलेटेड हो, जैसे फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, और उनके स्पीसीज के बारे में, उनके ऑर्गेनिजम्स के बारे में रिलेशनशिप, वो होती है अपनी टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। ये वेरी करती है अलग अलग एरियाज में, जैसे वैलीज में, माउंटेन्स में, स्लोप्स में, अलग अलग लैटिट्यूड पे ये वेरी करती है। और जो इसका मेन लिमिटिंग फैक्टर होता है जिसके कारण ये वेरी करती है, वो होता है मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। मींस अगर ये दोनों वेरी करेंगे तो इनकी स्पीसीज फ्लोरा एंड फ्यूना भी वेरी करेंगे। और इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आ जाता है टुंड्रा। ये क्या होता है? ये हमारा इकोसिस्टम होता है जो हमारा, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ले लेते हैं हम, जो ट्रीज कैप आती है, जो ट्रीज लाइन आती है उससे, और जो पोलर आइस कैप होती है उनके बीच में जो इकोसिस्टम है वो हमारा होता है टुंड्रा। इसको हम बैरन लैंड भी बोलते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, आर्टिक एंड एल्पाइन। आर्टिक कौन से होते हैं? जो आइस कैप से नीचे होते हैं और ट्री लाइन से ऊपर होते हैं, जो उनके बीच में होते हैं वो होते हैं आर्टिक। और एल्पाइन कौन से होते हैं? ये हाई माउंटेन्स पे होते हैं, ये वो होते हैं हमारे एल्पाइन। अब इनमें फ्लोरा एंड फ्यूना डिस्कस कर लेते हैं हम। फ्लोरा में आ गए इसमें कॉटन ग्रास, सेजेस, ड्वार्फ हीथ, विलोज, बर्ड्स एंड लीचन्स। और इसमें फ्यूनास एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं इसमें? रिंडेर, मक्स, मस्क ऑक्स, आर्टिक हेयर, कार्बियस, लेमिंग एंड स्क्वेयर। जो इनका लाइफ टाइम होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? एक तो जो इनको ठंड से बचाने के लिए इनके बॉडी के ऊपर फर होती है, बालों की एक मोटी परत होती है जो इनको ठंड से बचाए रखती है। और जो इनका लाइफ साइकिल वो 150 से 300 ईयर तक होता है। इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, लार्ज बॉडी साइज, स्मॉल टेल, स्मॉल ईयर, अवॉइड दैट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस, ये सब इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है। अब हमारा नेक्स्ट इकोसिस्टम है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी धरती में हमें अलग अलग तरह के फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। और जो इनमें जो स्पीसीज मिलती हैं उनका जो नेचर डिसाइड होता है वो किस बेस पे होता है कि उसमें सोयल कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, लोकल टोपोग्राफी वो कैसा है, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसा है, वो सब उनमें जो फैक्टर्स होते हैं जो इनकी फ्लोरा एंड फ्यूना को डिसाइड करते हैं। फॉरेस्ट में भी एवरग्रीन और डेसीडियस, ये किसके बेस पे होते हैं? जो इनमें टेम्परेचर होता है, जो रेनफॉल वगैरह, ह्यूमिडिटी, ये सब फैक्टर्स इनको ये सब डिसाइड करते हैं। और जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वो है कॉनिफर्स फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉनिफर्स फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट। जो हमारे बोरियल फॉरेस्ट, इनकी कैटेगरी क्या होती है? इनमें हाई रेनफॉल होता है, स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट होता है, लॉन्ग विंटर और स्ट्रॉन्ग शॉर्ट समर्स, ये इसकी करेक्टरिस्टिक होती हैं। और जो इनमें फ्लोरा मिलती है वो होते हैं एवरग्रीन प्लांट, जैसे स्पूर्स, फर, पाइन ट्रीज, और एनिमल फ्यूनाज होते हैं इसमें, लाइनेक्स, वोल्फ, बियर, रेड फॉक्स, पोर्कोपाइन एंड स्क्रियल, ऐसे इसमें फोना देखने को मिलते हैं। और जो इसकी सॉइल्स होती है वो लेस एसिडिक होती है और मिनरल डेफिशिएंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाटर की मूवमेंट होती है वो काउंटर अपवर्ड होती है और जो लीज कर देती है इसके जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको। और प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी ऑफ बोरियल फॉरेस्ट आर लोअर देन दोज ऑफ एनी अदर इकोसिस्टम। और जो इसकी जो प्रोडक्टिविटी और कम्युनिटी स्टेबिलिटी है वो किसी भी और फॉरेस्ट से कम होती है। और इसमें हमारा नेक्स्ट टाइप है टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। इनमें टेम्परेचर मॉडरेट होता है, क्लाइमेट इनमें मॉडरेट होता है, और जो इनकी सॉइल होती है वो थोड़ी सी डीप होती है अपनी बोरियल फॉरेस्ट से थोड़ी सी ज्यादा। और जो हमारा नेक्स्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कहाँ पे होता है? हमारा मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है इसमें। इसमें वार्म ड्राई समर्स होती हैं और कूल मॉइस्ट विंटर होती हैं। और जो हीन हैबिटेट होती है लो ब्रॉड लीफ एवरग्रीन ट्रीज, जो इसमें ट्रीज मिलते हैं वो एवरग्रीन होते हैं और जो इनकी जो पत्ते होते हैं वो थोड़े कम चौड़े होते हैं। फायर इसका एक मेजर फैक्टर रहता है जिसकी वजह से ये काफी डिस्ट्रॉय भी होते हैं अपने वर्ल्ड में। तो इनका जो फैक्टर रहता है, क्योंकि इसमें जो लीफ फॉल होते हैं उसकी वजह से इसमें ड्राई समर्स होती हैं, तो ये ज्यादा प्रोन रहती है फायर के लिए। और जो हमारा नेक्स्ट फॉरेस्ट है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट,
जो ये टेम्परेरी रेन फॉरेस्ट, ये एग्जिबिट ए मार्क सीजनलिटी विद रिगार्ड टू टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इसमें रेनफॉल थोड़ा हाई होता है, फॉग थोड़ी सी ज्यादा होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका, जो इसकी स्पीसीज को मॉडरेट और या फिर मॉडिफाई करता है। और इसमें बायोटिक डाइवर्सिटी होती है, वो उसमें थोड़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर फॉरेस्ट। लेकिन जो इसमें डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, फ्लोरा एंड फौना की, वो ट्रॉपिकल से कम होती है। जो हम देख रहे हैं जैसे अपनी जो बोरियल फॉरेस्ट में थी उसमें सबसे कम थी, और उससे ज्यादा फिर वो टेम्परेट डेसिड्यूस में, उससे ज्यादा टेम्परेट एवरग्रीन में, देन फिर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में, और इससे ज्यादा होगी अपनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में होते हैं अपने। और जो इसमें सबसे ज्यादा डाइवर्स कम्युनिटीज होती हैं फ्लोरा एंड फौना की, इसमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दोनों ही ज्यादा होती है किसी और फॉरेस्ट से, क्योंकि इक्वेटर के पास है, यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होती है, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इसमें वेरी करते हैं। और जो इनमें एनुअल रेनफॉल होता है 200 सेंटीमीटर से एक्सीड भी कर जाता है। और फ्लोरा इज हाईली डाइवर्सिफाइड, जो इसमें फ्लोरा होती है वो कौन कौन से, वाइन्स, क्रीपर, लेयांस, एपिलाइटिक ऑर्चिड्स एंड ब्रोमेल्स, इसकी जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। जिसकी लोअर लेयर्स होती है, जो जैसे ट्रीज उस जो लोअर लेयर्स में आगे अपने सर्व्स, हर्ब्स, फंस, पाम्स, ऐसे इसमें जो स्पीसीज वो देखने को मिलती है। और जो सॉइल होती है इनकी, जो वो रेड लेट सोल्स एंड दे आर वेरी थिक, जो ये काफी थिक होती है इसकी जो सॉइल होती है, क्यों, क्योंकि इसमें सब स्वेयर होती है, ये डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और जो वो फिर सोइल्स में ही कन्वर्ट होते रहते हैं। प्रेसिपिटेशन में जाते होती होते हो, लीचिंग की वजह से जो इसकी लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल नहीं होती, लेकिन जब वो डिस्टर्ब नहीं होती तो ये काफी अच्छी सॉइल मानी जाती है एग्रीकल्चर के लिए। हमारा नेक्स्ट फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। ये मानसून फॉरेस्ट होते हैं, इनमें काफी ज्यादा रेनफॉल होती है। और ये जो कहाँ पे होते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न अफ्रीका एंड ट्रॉपिकल आइलैंड ऑफ द पैसिफिक, एज वेल एज इन इंडिया, इंडिया में भी ये पाए जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन सा है, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें काफी चौड़े पत्ते वाले एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं, जहां पे रेनफॉल थोड़ा ज्यादा होता है और टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, बिटवीन विंटर एंड समर। जो इसमें जो मेजर कॉमन स्पीसीज है वो कौन सी है, एपिफाइट्स। और जो इनमें एनिमल होते हैं वो ट्रॉपिकल के जैसे ही होते हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट टाइप के बारे में, जो हमारे इंडिया में जो मेजर फॉरेस्ट के टाइप है उनके बारे में। हमारे इंडिया में हमें काफी डाइवर्स फॉरेस्ट के टाइप देखने को मिलते हैं, जैसे कश्मीर टू कन्याकुमारी या फिर कश्मीर में अपना लद्दाख से लेकर केरला तक, अलग अलग टाइप के जो फॉरेस्ट अपने वो डिपेंड करते हैं उनके क्लाइमेट, सोयल टाइप, टोपोग्राफी एंड एलिवेशन, इन मेन फैक्टर जो उनका डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जैसे हमारा राजस्थान इन वेस्ट टू एवरग्रीन फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट, अलग अलग टाइप होते हैं अपने फॉरेस्ट के। सो सबसे पहला अपना जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कहाँ पे अपना, वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट्स में, निकोबार आइलैंड में, अंडमान में आइलैंड में, या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो अपना अरुणाचल प्रदेश वाला हो गया, ये उस एरिया में देखने को मिलते हैं। और जो इनकी करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, जो इनमें टाल स्ट्रेट एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, कॉमन ट्रीज इसमें कौन कौन सी होती हैं, जैक फ्रूट, बिटल नट, पाल्म, जामुन, मैंगो एंड हैलोक, ये इसमें कॉमन ट्रीज होते हैं। और हमारा नेक्स्ट टाइप है जो इंडिया में ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसके जो एरियाज हैं ये कहाँ कहाँ मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ईस्टर्न हिमालयाज में। और ये मिक्सर होता है वेट एवरग्रीन ट्रीज का और मोस्ट डेसिड्यूस ट्रीज का। और जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट का जो इंडिया में मिलता है ट्रॉपिकल मोस्ट मॉइस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ये कहां पे मिलते हैं इंडिया में, जो मिलते हैं ये उसको वेस्टर्न घाट एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन को छोड़ के हर जगह मिलते हैं ये ट्रीज में। ज्यादा लंबे होते हैं, ब्रॉड ट्रंक्स होते हैं उनके, ब्रांचिंग ट्रंक्स एंड रूट्स टू होल्ड देम फर्मली टू द ग्राउंड। और जो इनमें कुछ ट्रीज होते हैं वो अपने पत्ते उनके झड़ जाते हैं ड्राई सीजन में। और इसमें जो मेजर कॉमन स्पीसीज हैं वो कौन कौन सी आती हैं, साल एंटिक, मैंगो, बैम्बू एंड रोजवुड। अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो लिटोरल एंड स्वैम्प, ये कहाँ पे मिलता है अपना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, डेल्टाज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र उनके डेल्टाज पे देखने को मिलता है। और हमारा नेक्स्ट टाइप इंडिया में जो देखने को मिलता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ये अपना कहाँ पे है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री एक्सपेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के अपने सारे नॉर्दर्न पार्ट में हो गया, जैसे उसमें आई अपना उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, यूपी। और जो इसमें ट्री होते हैं वो 25 मीटर के आसपास से होती है, फिर उसे थोड़े ज्यादा होते हैं वो। इसमें थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से हैं, साल वैरायटी ऑफ ऐसे किया, बेम्बू, ये इसके कॉमन ट्रीज हैं। और अपना नेक्स्ट फॉरेस्ट टाइप है वो कौन सा है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये अपना इसमें ब्लैक सॉइल होती है, ये नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में मोस्टली मिलता है। और जो इसमें
ट्री होती है जो इनकी हाइट होती है मेजरली 10 मीटर के आसपास होती है, और इसकी कॉमन स्पीसीज कौन कौन सी है, स्पोर केपर एंड कैक्टस। और अपना नेक्स्ट टाइप है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये अपना तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटका कोस्ट पे होता है। और अपना नेक्स्ट टाइप है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव फॉरेस्ट, ये ईस्टर्न हिमालय में, वेस्टर्न घाट्स में एंड साइलेंट वैली में मोस्टली मिलता है। और जो साइलेंट वैली और पूंस पार्क केमेनमन रोहनोडेंड्रोन एंड फ्रेग्रेंट ग्रास आर प्रीडोमिनेंट, जो साइलेंट वैली में ये स्पीसीज ज्यादा देखने को मिलती है, और ईस्टर्न हिमालयस में फ्लोरा वो इफेक्ट होता है सिर्फ शिफ्टिंग कल्टीवेशन से, क्योंकि जो उसकी जो लैंड है वो उसकी क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन से, और जो उसकी फ्लोरा है जो उसको काफी इफेक्ट करती है। और जिसमें कॉमन स्पीसीज है वो कौन कौन सी, ओक, एल्डर, चेस्टनट, बर्च एंड चेरी। हमारा नेक्स्ट टाइप है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, ये हमारा स्लोप ऑफ शिवालिक हिल्स पे मिलता है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस पे, खासी नागा हिल्स में, मणिपुर हिल्स में ये होता है। और जो इसकी कॉमन स्पीसीज है चर, ओक, रोनोडेंड्रोन, पाइन एज वेल एज साल, आमला एंड लाब्रामन, इसकी जो कॉमन स्पीसीज है जो लोअर रीजन में मिलती है। हमारा नेक्स्ट टाइप है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें जो मेजर इसकी करेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है, हॉट एंड ड्राई सीजन एंड कोल्ड विंटर, जो समर होती है इसमें ज्यादा होती है और विंटर ज्यादा कोल्ड होती है। इसमें कॉमनली एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलते हैं जिनके लीव्स थोड़े साइन करते हैं, और जो कहाँ पे मिलती हैं, शिवालिक हिल्स में, फुटहिल ऑफ हिमालयस, जिनकी हाइट्स 1000 मीटर से के आसपास है, जो पहाड़ियां ये वहां पे पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है माउंटेन वेंट टेम्परेट फॉरेस्ट, ये हमारे नॉर्दर्न इंडिया की तरफ मिलते हैं, जो या फिर नेपाल में, अरुणाचल प्रदेश में, जो यहाँ पे रेनफॉल होती है जो मिनिमम 2000 mm होती है, मीन्स 200 सेंटीमीटर। इन अदर्स में तीन टाइप ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, हायर लेयर वाज मेनली कनिफर्स, जो इसकी तीन लेयर्स में ये फॉरेस्ट डिवाइड होता है, जो हायर लेयर होगी कॉनिफर्स, इसके नीचे मिडल डेसिडस, और इससे नीचे वाली रोनोडेंड्रन एंड चंपा। और जो ये साउथ में नीलगिरी हिल्स के आसपास मिलते हैं और केरला में मिलते हैं, और फॉरेस्ट इन नदर्न रीजन आर डेंसर देन इन साउथ, जो नदर्न में ये फॉरेस्ट होते हैं माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, नदर्न में ज्यादा डेंसर होते हैं देन साउथ। हमारा नेक्स्ट टाइप है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेचर टेम्परेट फॉरेस्ट, जैसा कि इनसे नाम से देखने को मिलता है कहां पे स्प्रेड होगा, ये वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय, मीन हिमालय वाले एरिया में, जो इसमें स्पीसीज मिलती है, फ्लोरा मिलता है, उनमें क्या करेक्टरिस्टिक है, उनके ब्रॉड लिव्ड ओक होते हैं ये स्पीसीज, उसके ब्राउन ओक, वालनट, रोडोडेंड्रोन, ये उसकी मेजर स्पीसीज है। और जो ईस्टर्न हिमालय में होता है उसमें हैवी रेनफॉल होता है और वेजिटेशन और ज्यादा होगी, क्यों, उसमें रेनफॉल ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें वेजिटेशन भी उससे ज्यादा ही होगी। हमारा नेक्स्ट टाइप है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ये कहाँ पे मिलता है, लाहौल, किन्नौर, सिक्किम एंड अदर पार्ट ऑफ द हिमालयाज, इसमें भी वही करेक्टरिस्टिक्स हैं, ब्रॉड लीव लोब्स, मैपल, फेस, ये वही स्पीसीज हैं जो इसमें हमारी हिमालयन मोस्ट टेम्परेट में, बस थोड़ा बहुत तो डिफरेंट है। अपना नेक्स्ट है सब अल्पाइन फॉरेस्ट, ये कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे मिलते हैं, 2900 से 3500 मीटर के आसपास, और वेस्टर्न हिमालयाज में वेजिटेशन क्या कंसिस्ट करता है, मेजरली जूनिपर, रोडोडेंड्रोन, विलो, ब्लैक करंट, जो उसकी मेजर स्पीसीज है। ऐसे इसमें आप मीन्स इतनी सारी स्पीसीज और टेम्परेचर फॉरेस्ट को याद रखने में कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, तो इसका मैं आसान सा तरीका बता देता हूँ। आप इसकी टेबल बना सकते हैं, इनको सब में लिख लिया, जैसे पहले इनका नाम लिख लिया, फिर इनकी करेक्टरिस्टिक्स लिख ली, फिर इनकी मेजर स्पीसीज फ्लोरा एंड फ्योना लिख ली एक सीट पे, ऐसे इसमें एक कॉलम में अपने ये फॉरेस्ट आ गए, अगले में इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ गई, अगले में इनके फोनाज आ गए, तो सारे हमारे एक ही सीट पे कलेक्ट हो जाएंगे, तो इनको पढ़ने में और याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। और हमारा नेक्स्ट जो हम कर रहे थे वो था सब अल्पाइन, ये हमारा कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, ये हम कर चुके हैं, और हमारा नेक्स्ट है मोस्ट अल्पाइन और देन ड्राई स्कर्ब, अल्पाइन स्कर्ब, ये हमारा म्यांमार बॉर्डर के आसपास है, और जो हमारा ड्राई अल्पाइन स्कर्ब है ये हमारा 3000 मीटर से 4900 मीटर के आसपास। अब हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट है, क्या क्या फायदा मिलता है हमें फॉरेस्ट से, एयर को प्यूरिफाई करते हैं, क्लाइमेट को बैलेंस रखते हैं, प्रेसिपिटेशन लाने में हेल्पफुल होते हैं, फ्लड को प्रिवेंट करते हैं, फॉरेस्ट को बैलेंस रखते हैं, जिसकी सर्टेन इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन, मीन्स जब एक फॉरेस्ट होता है जो उसकी कटाई शुरू होती है और उसको हम काट देते हैं और वो लैंड उसको बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। उसके पर्पज रीजन अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं अर्बनाइजेशन के लिए हो सकता है वो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हो सकता है वो, माइनिंग ऑपरेशन के लिए हो सकता है वो, उसके अलग अलग रीजन हैं। अब डिफॉरेस्टेशन के कुछ कॉज हैं,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से, फ्यूल रिक्वायरमेंट की वजह से, जहाँ पे फ्यूल है वहाँ पे उस लैंड में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको क्लियर किया जाता है, या फिर रॉ मटेरियल्स के लिए, या फिर अदर कॉजेज, डेवलपमेंट पर्पज, एग्रीकल्चर के लिए, अर्बनाइजेशन, फ्लड के लिए, फायर, फॉरेस्ट डिजीज, इन सब के लिए इसके जो कॉजेज हैं वो उनकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है हमारा। और कैसे इफेक्ट होता है ये, क्या कैसे इफेक्ट करता है अपने एनवायरमेंट को, ये मॉइस्चर का जो साइकिल होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, प्रेसिपिटेशन के साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है ये, अपने प्रेसिपिटेशन लेट होने लग जाती है, और ड्यू टू डिफोरेस्टेशन द नेचुरल रियूज ऑफ साइकिल इज ब्रोकन, जो नेचुरल रियूज होता है अपना वो डिस्टर्ब हो जाता है, सोइल इरोजन बढ़ता है, फ्लड प्रोन एरिया ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसके सर्टेन इफेक्ट होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट इकोसिस्टम है ग्रास लैंड इकोसिस्टम, ये हमारा मेजरली कहाँ देखने को मिलता है, जहां पर रेनफॉल 25-75% पर ईयर होती है वहां पर हमारा ग्रास लैंड इकोसिस्टम होता है। जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है मेजरली कहाँ पे मिलता है, टेम्परेट क्लाइमेट्स में, और इंडिया में ये मेनली हिमालय में मिलता है, और जो हमारे इंडिया में ग्रास लैंड है वो दो टाइप के हैं, स्टीप्स एंड स्वानास। जो मेजर डिफरेंस होता है स्टीप और स्वानास में वो क्या होता है, जो स्टीप होते हैं वो ओनली प्रोवाइडेड द ब्रीफ वेट सीजन, जो स्टीप होते हैं ओनली वेट सीजन में मिलते हैं, लेकिन जो अपने स्वाना होते हैं वो वेट और ड्राई सीजन दोनों में मिलते हैं अपने, और जो स्टीप फॉर्मेशन है वो लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करती है देन स्वाना। और एरिया कौन कौन सा है इसका, वेस्टर्न राजस्थान वेयर क्लाइमेट इज सेमी एरिड एंड एवरेज रेनफॉल इज लेस देन 200 mm, राजस्थान एरिया में जहां पे 200 mm से कम रेनफॉल है ये स्टीप टाइप हमारे वहां पे मिलते हैं, और सेंट्रल पार्ट ऑफ राजस्थान में जहां पे रेनफॉल 500 mm से कम है वहां पे अपने स्वाना हो गए, क्योंकि ये दोनों टाइप के क्लाइमेट में मिलते हैं हमें। अब टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स जो हमारे इंडिया में उनकी बात कर लेते हैं हम, वो मेजरली 6 टाइप की है अपने ग्रासलैंड्स जो इंडिया में है, लेकिन यहाँ पे हम ओनली 4 टाइप डिस्कस करेंगे। पहला है अपना सेमी एरिड जोन, ये कौन सा एरिया कवर करती है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात, राजस्थान, राजस्थान में अरावली वाला एरिया छोड़ के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब। नेक्स्ट अपना ड्राई सर्ब होमिड जोन, ये कौन सा एरिया कवर करती है, पेनिसुलर इंडिया वाला, नीलगिरी को छोड़ के। और थर्ड अपना मोइस्ट होमिड जोन, ये कौन सा एरिया कवर करती है, एलुवियल प्लेन नॉर्दर्न इंडिया में। और जो हमारा फोर्थ टाइप है वो अपना ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स, ये कौन सा एरिया कवर करती है, असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स ये वो अपना वो वाले एरिया कवर करती है। अब अपना इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ग्रासलैंड की क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया में जैसे हम देखते हैं ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और यहाँ पे हमारी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ज्यादा होती है, तो ये उन सब के लिए न्यूट्रिशन फूड वगैरह प्रोवाइड करती है, या फिर ये मेजर सोर्स फ्यूल, ड्रॉट वाटर, उन सबका ये सोर्स और रॉ मटेरियल है विलेजेस, इंडस्ट्रीज के लिए, तो ये सबके हमारी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होगी हमारी ग्रासलैंड्स की। जैसे 13 मिलियन हेक्टेयर इन कंट्री क्लासिफाइड एज परमानेंट ग्रेजिंग लैंड्स, 13 मिलियन हेक्टेयर हमारे ग्रेजिंग लैंड्स है, ये जो एनिमल्स होते हैं उनका ग्रेजिंग लैंड, ये उनके लिए काफी इंपोर्टेंस रखती है, जैसे उनके लिए फूड प्रोवाइड करती है ये। अब वही इम्पैक्ट ऑफ ग्रेजिंग, इसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सोइल इरोजन हो सकता है, वाटर लेवल नीचे जा सकता है, फ्लड प्रोन एरिया ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, सोइल क्वालिटी डिक्रीज हो सकती है, ये हमारे इम्पैक्ट ऑफ ग्रेजिंग है। अब रोल ऑफ फायर, इससे क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकती है और नेगेटिव भी। क्यों पॉजिटिव, जैसे ये कि किसी ग्रासलैंड्स में आग लगी और जो रॉक होती है वो हेल्पफुल रहती है लैंड की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, ये उसकी क्वालिटी साइड बाय साइड कम भी करती रहती है। और हमारा नेक्स्ट इकोसिस्टम है डेजर्ट इकोसिस्टम, ये डेजर्ट इकोसिस्टम कौन सा होता है, जहां पे अपनी एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होती है, ये काफी हॉट रीजन होते हैं जहां पे रेनफॉल काफी कम होती है, और या फिर जो रेनफॉल होती है वो काफी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और जो हमारे डेजर्ट्स हैं वो कहां पे, एट हाई एल्टीट्यूड्स एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, द डेजर्ट्स आर कोल्ड एंड हॉट नियर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स, ये हॉट एंड कोल्ड दोनों टाइप के हो सकते हैं। जैसे कोल्ड डेजर्ट अपना कौन सा है, अंटार्कटिक रीजन वाला, वो कोल्ड डेजर्ट है, और अपने हॉट डेजर्ट्स में तो सारा डेजर्ट हो गया, इंडिया में अपना थार डेजर्ट हो गया, ये अपने हॉट डेजर्ट हो गए। अब इसमें अडेप्टेशन देख लेते हैं, हमारे डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे अडेप्ट होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो जो अडेप्टेशन के लिए कुछ मेथड्स हैं जो यूज करते हैं। जैसे वो उनमें सबसे पहले तो मोस्टली सर्ब्स होते हैं, लीव्स का जो साइज होता है वो
कम होता है, जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पानी के अमाउंट जो कम जरूरत पड़े, और जो लीव्स होती हैं वो वाटर स्टोर करके रखती हैं, और जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफाइल भी अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, और जो एनिमल होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो फास्ट रनर्स होते हैं, वो जैसे अपना कैमल होता है वो पानी काफी दिन तक स्टोर करके रख सकता है, क्यों, क्योंकि उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है उसकी सर्वाइवल के लिए, उसको डेजर्ट में पानी बहुत कम मिलता है और उसको स्टोर करके रखने पड़ता है ताकि वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव रह सके। और जो इनकी जो एनिमल और बर्ड्स होते हैं उनकी टांगे थोड़ी लंबी होती है, क्यों, क्योंकि जो जैसे अपनी लैंड गर्म हो गई और वो उनसे थोड़ा दूर रह सके और अपने आप को उससे बचा सके। जैसे कैमल इज नोन एज शीप ऑफ द डेजर्ट, जो हमने ये एग्जाम्पल लिया था, और अब इंडिया में डेजर्ट की बात कर लेते हैं, हमारा थार डेजर्ट ये हॉट टाइप ऑफ डेजर्ट है, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, इसमें ड्रॉट होती है, रेनफॉल जो काफी कम होता है, स्केंटी और इरेगुलर होता है। थार डेजर्ट में जो नवंबर टू मार्च होती है काफी ज्यादा विंटर होती है, और लेकिन अप्रैल टू जून में इसमें हीट ज्यादा इंटेंस रहती है, इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है। जो इसके फ्लोरा एंड फ्यूनाज है, जो दो ये दो ग्रुप में डिवाइड करे गए हैं, वो कौन कौन से हैं, डिपेंडिंग इनडायरेक्टली अपॉन द रेन, और दूसरा कौन सा, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ सबल्टरन वाटर, सबटेरेनियन वाटर। जो पहला ग्रुप है इसमें दो टाइप होते हैं, एफेरनल एंड रेन पेरेनियल्स। जो एफेरनल्स होते हैं ये रेन पे डिपेंड होते हैं, रेन पे डिपेंड नहीं होते हैं, और ये और जो दूसरे वाले होते हैं ये जो सिर्फ रेनी सीजन में ही देखने को मिलते हैं, ये हर सीजन में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो रेन पेरेनियल्स होते हैं ये रेनी सीजन में देखने को मिलते हैं। और जो दूसरा टाइप है जो उसका जो डिपेंड करता है सबटेरेनियन वाटर्स पे, इनका जो रूट सिस्टम होता है काफी अच्छा रहता है, और ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से मीन्स इनको पानी की जरूरत तो रहती है, लेकिन वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो लैंड से ही पूरी कर लेते हैं। जो इसमें फ्योना मिलते हैं अपने, उसमें जो सेंचुरी ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मैमल्स हो गए, जैसे उसमें ब्लैक बक, वाइल्ड एस, चिंकारा, कारागल, ऐसे कुछ इसमें हमने फ्यूनास देखने को मिलते हैं। और इसमें फ्लैमिंगो और एशियन वाइल्ड एस होता, जो अपना ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में जो अपना डेजर्ट है ये उसका जो मेन स्पीसीज है। और जो कोल्ड डेजर्ट है, टेम्परेट डेजर्ट है, उसमें कौन कौन से एरिया में है, वो लद्दाख में है, लेह में है, वो कारगिल ऑफ कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में भी है, वो नदन उत्तरांचल और जो अभी उत्तराखंड और सिक्किम में ये उसमें भी है। जिसमें ग्रेजिंग पीरियड होता है वो 3-4 मंथ से भी कम का होता है, और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, इसमें ड्राई एटमोसफेयर होता है, टेम्परेचर जो समर्स में होता है 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन विंटर्स में वो -50 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। मीन एनुअल रेनफॉल 400 mm से इसमें कम होती है। जो इसमें सोइल टाइप होता है वो सैंडी और सोमी, सैंडी टू सैंडी लोमी, जो इसमें सोइल मिलती है, जो इसका पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है। जो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, विंड इरोजन इज मोर कॉमन, जो लैंड इरोजन बाई विंड्स होता है वो थोड़ा इसमें कॉमन है, ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। और अब बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, जो कोल्ड डेजर्ट इज हाईली होम ऑफ हाईली अडेप्टिव एंड रेयर एंडेजेंट फ्योना सच एज एशियाटिक आइबेक्स, थाइवेदन, अरागली, लद्दाख, यूराइल, भारल, ऐसी कुछ इसमें बायोडाइवर्सिटी जो इसमें हमने स्पीसीज देखने को मिलती हैं वो सभी हैं, वाइल्ड याक, थाइवेतन गैजेट, गैजेल, ब्राउन बियर, थाइवेतन वोल्फ, ये हमें इसमें स्पीसीज देखने को मिलती हैं। और जो इसमें डेजर्ट वेजिटेशन है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन से हैं, डाई टेम्परेट जोन, अल्पाइन जोन एंड परपेचुअल स्नो जोन। इसमें फर्स्ट टाइप में कौन सा गया, बेतुला, सेलिक्स एंड जोनीपेरस, सेकंड में कौन सा आ गया, जूनिपर्स, बर्च, रोडोडेंड्रोन विद ग्रासेस, थर्ड में कौन सा आ गया, नो वेजिटेशन ड्यू टू पेरेनियल परमानेंटली फ्रोजन सोइल। इसमें फ्रोजन सोइल होती है तो इसमें कोई वेजिटेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेजर्टिफिकेशन, ये क्या होता है, जब हमारी लैंड जो अच्छी खासी लैंड होती है वो किसी भी रीजन की वजह से डेजर्ट लाइक कंडीशन में कन्वर्ट होने लग जाती है, उस कंडीशन को बोला जाता है डेजर्टिफिकेशन। जो ये प्रॉब्लम हमारी देखने को मिल रही है मेनली वो किन किन एरियाज में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में। इसके कोज क्या क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर, इंक्रीज इन कैटल पॉपुलेशन ओवर ग्रेजिंग, इंक्रीज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, डिफोरेस्टेशन, जो ये मेजर कोजेस हैं डेजर्टिफिकेशन के। और जो क्या स्टेटस है इंडिया में डेजर्टिफिकेशन का, एज पर डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया 2007 के अकॉर्डिंग, जो इंडिया में है ड्राई लैंड है वो है 69.6%, और जो इसका टोटल एरिया है जो लैंड डिग्रेडेशन के अंडर है वो 105.48 मिलियन हेक्टेयर, जो हो जाता है अपना 32.07% इंडिया के टोटल एरिया का। और जो 21.45 मिलियन हेक्टेयर एरिया है वो किसके अंडर है, डेजर्टिफिकेशन के अंडर है वो अपने इंडिया में। और जो कंट्रोल मेजर्स हैं जो इंडिया सिग्नेटरी है, सबसे पहले तो जो 2001 में जो प्रिपेयर हुई थी
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो इसका सिग्नेटरी है इंडिया, और इसके साथ साथ ही जो अलग प्रोग्राम है जो इंडिया ने शुरू कर रखे हैं वो कौन कौन से, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल एफोरेस्ट्रेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इंडिया ने इशू कर रखे हैं, लागू कर रखे हैं अपने एफोरेस्टेशन के लिए या फिर डेजर्टिफिकेशन कम करने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एफोरेस्टेशन। किसी भी लैंड में ट्रीज को दोबारा से प्लांट करना है, उसको एक फॉरेस्ट लाइक कंडीशन, उसको ऐसा इकोसिस्टम बनाना, वो कहलाता अपना एफोरेस्टेशन। ये किस किस एरियाज में है अपना, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ट्रांस हिमालय, इन एरिया में जहां पे वेजिटेशन थोड़ी कम है उनको थोड़ी अच्छी कंडीशन में लाने के लिए एफोरेस्टेशन किया जा रहा है। और जो एक रिपोर्ट है इंडिया में जो पब्लिश होती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 में, ये बाई एनुअली रिपोर्ट होती है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। ये जो डाटा है 2017 का है, जो ये डाटा इकट्ठा होता है अपना सैटेलाइट के थ्रू भी होता है, कौन सा है वो रियोस क्रैक 2 सैटेलाइट, इसके थ्रू ये डाटा इकट्ठा होता है। जो इसके अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया में टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो है अप्रोक्सीमेट 25% इसमें टोटल फॉरेस्ट कवर है। और जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंट्रीज ने 8021 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो 1% टोटल एरिया है असेसमेंट ऑफ 2015 के हिसाब से, वो इंक्रीज किया है फॉरेस्टेशन में। और जो वेरी डेंस फॉरेस्ट इंडिया में वो 1.3% इंक्रीज हुए हैं। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, ये फॉलो करता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम इन टर्म ऑफ परसेंटेज। मिजोरम में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया 88.93%, और इसके बाद इसमें लक्षद्वीप आता है। और जो 7 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट है वो कौन कौन से, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, ये मोर देन 75% फॉरेस्ट एरिया कवर करते हैं। और जो अपने अलग स्टेट हैं जो 8, त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरला, उत्तराखंड, दादरा एंड नगर हवेली, छत्तीसगढ़, असम, ये अपना 35-75% एरिया कवर करते हैं। जो इंडिया का रैंक है वर्ल्ड में 10th है फॉरेस्ट कवर में, और जो इसका टोटल है अप्रोक्सीमेट 25% ही बोल लीजिए आप इसको। और FAO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 8वें प्लेस पे आ गया है। किस एरिया में जो एनुअल नेट गेन होता है फॉरेस्ट एरिया में, उसमें इंडिया का प्लेस है जो 8th। दैट इज ऑल अबाउट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसमें हमने जो कवर किया है वो क्या क्या किया है, टुंड्रा, उसके बाद फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट के टाइप हो गए इंडिया में 16 टाइप के फॉरेस्ट के टाइप हो गए ये, इनको आप एक टेबल में अगर बना लेंगे तो आप ज्यादा कुछ ईजी रहेगा इसको याद करना और समझना। इसके बाद हमने डिफॉरेस्टेशन और इसके कोज पढ़े, इसके इफेक्ट पढ़े, इसके बाद ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढ़ा, इसके बाद हमने डेजर्ट पढ़ा, और इंडिया का डेजर्ट, थार डेजर्ट के बारे में हमने डीपली और डिटेल में जाना, और इसके बाद हमने डेजर्टिफिकेशन पढ़ा, और इसके बाद हमने पढ़ी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017। ये डाटा हमने जो डिस्कस किया वो 2017 का था, लेकिन आप इसको अपडेट कर लेना 2019 वाली रिपोर्ट के साथ। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा बेस्ड रहेगा एक्वाटिक इकोसिस्टम पे, जो इसमें आ जाता है हमारा रिवर, ओशियंस, लेक्स, एस्टुरीज, डेल्टाज, वो सब हमारा आ जाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और मेरे को फॉलो करने के लिए आपको लिंक दिया गया है वो भी डिस्क्रिप्शन में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। Thank you.